नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। उत्तर पश्चिम और दक्षिण के बाद भारत की पहली सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्वी भारत में भी आने वाली है। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। इस ट्रेन का परिचालन बिहार के रास्ते ही होना है। वंदे भारत एक्सप्रेस का बिहार में परिचालन 30 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं पहली वंदे भारत ट्रेन है जो बिहार के रास्ते से गुजरेगी। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लागू होने के बाद यह स्कीम शुरू हो गई थी। पिछले कई सालों से यह स्कीम खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन कैबिनेट ने इसे फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि अब इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इसके तहत मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस लागत का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इसमें राज्यों से पैसा नहीं वसूले जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच जवानी जंग अभी से शुरू हो गई है। जहां जदयू नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, वहीं बिहार महागठबंधन ने भी सहमति जताई है। वहीं नीतीश कुमार भी पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2024 के लिए पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है नीतीश बाबू, और 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने कहा है कि ऐसे समय में जब अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और दुनिया के कई हिस्सों में तनाव का माहौल है और भारत को वैश्विक स्तर पर एक शाइनिंग स्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी ने ये बातें गुरुवार को ऑनलाइन तरीके से आयोजित रिलायंस फैमिली डे फंक्शन 2022 के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि कमियों, बिखराव और व्यापक गरीबी के युग से भारत समावेशी समृद्धि, अवसरों की प्रचुरता और 1.4 अरब भारतीयों के जीवन की सरलता और गुणवत्ता में अकल्पनीय सुधार के युग में प्रवेश करेगा। ज्ञान की भूमि बोधगया में इन दिनों दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी आए हुए हैं। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा भी कालचक्र पूजा को लेकर 1 महीने के प्रवास पर है। इसी दौरान गया में एक चीनी महिला के गायब होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस को शक है कि चीनी महिला बिहार में दलाई लामा की जासूसी के मकसद से भेजी गई है। चीनी महिला के फोटो का एक स्केच बुधवार की देर रात SDPO द्वारा सोशल इंटरनेट पर जारी किया गया। गया पुलिस सोशल मीडिया की मदद से इस संदिग्ध चीनी महिला की तलाश कर रही है। IRCTC स्कैम की बंद पड़ी फाइल को CBI ने एक बार फिर से खोल ली है, जिसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में गर्माहट आ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अब CM नीतीश कुमार ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि हम RJD के साथ आ गए हैं, इसलिए फाइल खोली गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर उन्होंने ट्वीट किया है, बिहार में सत्ता के संरक्षण से घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा और हिंदू अपने ही घरों में बेघर हो गए। सत्ता के लालच में ये लोग अंग्रेजों और मुगलों के स्तर से भी नीचे चले गए हैं। गिरिराज सिंह लगातार इस क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया दौरे से पहले भी उन्होंने कहा था कि सीमांचल इलाके की डेमोग्राफी बदल गई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी के कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई। वहीं जमराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लगता है। पहले गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार को भारत के बारे में सेखी मारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में अब हल्का उछाल आता नजर आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 268 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा है। 28 दिसंबर को देश में कोरोना के 188 मामले सामने आए थे। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 3,552 हो गई है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 99,231 डोज दी गई है। रिकवरी रेट 98.8% है। पिछले 24 घंटे में कुल 188 लोगों ने कोरोना को मात दी है। चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अब चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दूरस्थ EVM को प्रोटोटाइप तैयार किया है। आयोग ने 16 जनवरी को सभी पार्टियों के लिए इसका लाइव डेमो भी रखा है। शाहरुख खान की आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर एक हालिया विवाद पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि फिल्म पठान से जुड़े सभी सवालों को शांत करने के लिए मैं बता दूं कि यह फिल्म हाल ही में सर्टिफिकेशन के लिए CBFC एग्जामिनेशन कमेटी के पास पहुंची थी और निर्धारित जाँच प्रक्रिया से होकर गुजरी है। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी भारी टैक्स भरने से परेशान हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़े, इस पर विचार किया जा रहा है।
देश में 5G सर्विस आने के बाद टेलीकॉम कंपनियां कई सारे नए प्लान लेकर आ रही है। 5G सर्विस के बाद लोगों के कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं से अभी छुटकारा नहीं मिला है। सरकार ने इस मामले पर टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक कर कॉल ड्रॉप जैसी समस्या से निपटने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने एक बैठक के दौरान टेलीकॉम कंपनियों से एक्शन प्लान मांगा है। सरकार ने कंपनियों से मोबाइल सर्विस को सुधारने पर जोर देने की बात कही। देश में करीब 90% लोग कॉल ड्रॉप और कॉल नेटवर्क से परेशान है। देश के तकरीबन 8 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। नए साल में किसानों को 2000 रुपए का तोहफा मिलने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक किसानों के खाते में जनवरी के पहले सप्ताह में किसी भी दिन 2000 रुपए की राशि भेजी जा सकती है। दरअसल पिछले साल नए साल के मौके पर पीएम मोदी ने 9वीं किस्त जारी की थी। ऐसे में जनवरी के पहले हफ्ते में सम्मान निधि की 13वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं। ये राशि किसानों को डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 12 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। वह साउथ अफ्रीका T20 लीग में नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड लोड मैनेजमेंट के लिए उनका नाम वापस ले लिया है। वह लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स का हिस्सा थे। ECB ने लीग के आयोजकों और टीम को इसकी जानकारी 28 दिसंबर 2022 को दे दी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल पर CRPF ने जवाब दिया है। अर्धसैनिक बल ने दो टुक कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे 113 बार सुरक्षा घेरा तोड़ा है। दरअसल राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने सवाल उठाया था। KC वेणुगोपाल के सवालों का अब CRPF ने जवाब दिया है। पिछले कुछ महीनों में देश में गेहूं के रेटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका असर आटे पर पड़ा है। आटे की कीमत बढ़ गई है। बड़े आटे की कीमत का नुकसान यह हुआ है कि रोटी महंगी हुई और आमजनों का रसोई बजट बिगड़ना शुरू हो गया। अब केंद्र सरकार इसी बजट को नियंत्रण करने के लिए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार को कोशिश बढ़ते आटे की कीमतों पर लगाम लगाने की है। इसको लेकर शीर्ष स्तर पर काम भी शुरू कर दिया गया है। सर्बिया की सरकार ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म करने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2023 से भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वैध वीजा के सर्बिया की यात्रा करने की सुविधा नहीं होगी। अवैध इमिग्रेशन को कंट्रोल करने और यूरोपीय वीजा पॉलिसी की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीन में COVID-19 के खतरनाक हालत को देखते हुए भारत में COVID-19 को लेकर अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार अपनी तैयारियों को लेकर खुद को चुस्त बनाए रखने पर जोर दे रही है, तो वहीं कोविड वैक्सीन के डोज और उनसे संबंधित आशंकाएं भी सुर्खियों में हैं। इसमें नई नेजल वैक्सीन के आने से उस पर कई तरह के जिज्ञासाएं हैं। स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि मूल वैक्सीन का भी अलग डोज अब भी कारगर हो सकता है, खासतौर पर जहां नई वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है या संक्रमण रोकने में अब भी प्रभावी होगा। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के प्रकोप जारी है। इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से दिल्ली से खुलने वाली और यहां तक आने वाली कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है। वहीं कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। इसकी वजह से ट्रेन यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई है और इसका रूट डायवर्ट किया गया है, यह जानकारी ही यात्रा करे नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस साल गूगल एक नया परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम लेकर आ रहा है। इसे जल्दी शुरू किया जाएगा। एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के लिए शुरू किए इस रिव्यू सिस्टम का नाम ग्रेड गूगल रिव्यूज एंड डेवलपमेंट रखा गया है। गूगल के इस कदम का असर 10,000 एम्प्लॉयज पर पड़ेगा। 10,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं संभव है कि कंपनी ने अपना खर्च घटाने के लिए ये कदम उठाया है। बॉलीवुड जगत के लिए बेहद दुख भरी खबर है। वो ये कि बॉलीवुड की एक और हस्ती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन का मुंबई में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो 3 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती थे और पिछले 15 दिनों से वे वेंटिलेटर पर थे। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के राहुल गांधी को भगवान राम बताने के बयान पर मचे बवाल के बाद उन्होंने अब बताया है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारे मुख्य नेता गांधी परिवार से हैं, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे भी अब शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट के साथ रोका हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही दोनों साथ फेरे ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों और खास दोस्तों की उपस्थिति ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सर्वे के आंकड़े मैप के साथ पोस्ट किए हैं, जिसमें आंकड़ों के साथ बताया गया है कि किस राज्य में कितने परिवारों के पास अपनी कार है। इसके मुताबिक पूरे देश में महज 7.5% परिवारों के पास खुद की कार है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो इस मामले में सबसे आगे गोवा और सबसे पीछे बिहार का नाम आता है, जहां गोवा में 45.2% परिवारों के पास कार है, वहीं बिहार में केवल 2% फैमिली के पास कार है।
सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इसी बीच सुशांत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ के एक मेंबर ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कर्मचारी ने दावा किया है कि सुशांत के शव पर चोट के कई निशान थे, ऐसे में ये सुसाइड का मामला नहीं लगता है। अब सुशांत का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब सुशांत और रिया चक्रवर्ती साथ में रहते थे। अब इस वीडियो को देखने के बाद सुशांत की हालत को लेकर फैंस रिया को दोष दे रहे हैं। दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज सैमसंग कथित तौर पर अपने आगामी स्मार्टफोन गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में एक नया टेली फोटो सेंसर पेश करेगा। टिपस्टर आइस यूनिवर्स ने ट्विटर पर अपडेट का खुलासा किया और यह भी उल्लेख किया है कि मुख्य कैमरा वही रह सकता है या इसमें थोड़े बदलाव हो सकते हैं। ट्वीट में कहा गया है कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के टेलीफोटो सेंसर को बदलने और एक नया सॉल्यूशन अपनाने की उम्मीद है। ट्वीट में कहा गया कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के टेलीफोटो सेंसर को बदलने और एक नया सॉल्यूशन अपनाने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि मुख्य कैमरा वही रहेगा या थोड़ा बदला जाएगा। भारत में अभी लोगों का मेहनताना अभी सरकार के न्यूनतम मजदूरी के नियम कायदों से तय होता है, पर इस व्यवस्था में बहुत जल्द बदलाव हो सकता है। सरकार का यह फैसला देश के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के दायरे से बाहर निकालने वाला होगा। वैसे भी सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक देश से अत्यंत गरीबी को मिटाने का टारगेट रखा है। ईडी की एक खबर के मुताबिक सरकार अब मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मेहनताने की जगह लिविंग वेजेस की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में अब लोगों को न्यूनतम मजदूरी की जगह इतनी मजदूरी मिलेगी जो उनके जीवन जीने लायक सही हो। बैंकॉक से कोलकाता जा रहे थाई स्माइल एयरवेज के प्लेन में सवार कुछ यात्रियों के बीच इस सप्ताह की शुरुआत में कथित तौर पर हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विमान के अंदर हाथापाई की ये वीडियो क्लिप बुधवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर की गई। क्लिप में कुछ को पैसेंजर्स द्वारा एक व्यक्ति को कई बार थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि चीन में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस सब वेरिएंट मस्तिष्क पर हमला करने के लिए विकसित हो सकता है। मीडिया को यह जानकारी दी गई है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि अध्ययन पिछली धारणाओं को चुनौती देता है कि वायरस आमतौर पर कम खतरनाक हो जाते हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट पर नए शोध ने सुझाव दिया है कि रोगजनक बदल सकता है, कि यह मानव शरीर पर कैसे हमला करता है, श्वसन प्रणाली को संक्रमित करने से मस्तिष्क को तेजी से टारगेट कर सकता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शशि यादव, संजय यादव, नुनु गोलू कुमार, रविशंकर, शैलेश यादव, कौशल कुमार झा, मनीष कुमार, ऋषि, अनवर करीम खान, अविनेश कुमार, चंदन झा, मोहम्मद नौशद राजा, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है नए साल में होने वाले बजट में इनकम टैक्स की सीमा 5 लाख निर्धारित कर देनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।